अक्सर किसी न किसी वजह से लाइमलाइट में रहने वाले बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों वो अपने घर में हुई फायरिंग की वजह से खबरों का हिस्सा बने हुए हैं। इस बार केस के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ सामने आया है। वहीं 14 अप्रैल को अभिनेता के घर जो फायरिंग हुई थी उसका जिम्मा लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने लिया है। इस केस में पुलिस काफी एक्टिव है और अब तक केस से जुड़े 6 आरोपियों को और इस्तेमाल की गई बंदूक को भी कब्जे में ले लिया गया है। हालांकि ऐसा पहली बार तो नहीं है कि सलमान के लिए लॉरेंस का नाम परेशानी का सबब बना हो। इससे पहले भी कई बार भाईजान के लिए इस गैंग ने मुसीबत खड़ी कर रही है। इस मामले में एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने भी बिश्नोई समाज से माफी मांगी और कहा कि उन्हें माफ कर दिया जाए। अब इस पर बिश्नोई समाज के अध्यक्ष देवेंद्र गुड़िया का एक शर्त सामने आया है। क्या है वो शर्त, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं इन खबर। बिश्नोई समाज के अध्यक्ष देवेंद्र गुड़िया बोले कि हम सलमान खान को माफ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें खुद माफी मांगनी होगी। सोमी और राखी के माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, जो आरोपी है उसे सामने आना होगा, हमारे नियम में ये शामिल है। वो बोले कि हम सलमान खान को माफ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें खुद माफी मांगनी होगी। सोमी और राखी के माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। जिन लोगों को पूरी बात नहीं पता है वो ये सोच रहे होंगे कि आखिर सलमान खान ने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए बिश्नोई समाज उनके पीछे हाथ धो कर पड़ गया है। दरअसल ये बात साल 1998 की है, जब सलमान खान फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के लिए जोधपुर गए थे। उस दौरान वो शिकार पर गए और वहां उन्होंने काले हिरण का शिकार कर दिया। कहा जाता है कि काला हिरण बिश्नोई समाज के लिए पूजनीय होता है। ऐसे में बिश्नोई समाज सलमान खान के पीछे पड़ गया। हालांकि केस को कई साल बीत गए और मामले में सजा भी मिली, लेकिन अभी भी जंग इस मामले में जारी है। सलमान खान हिरण केस आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना है। इस मामले में एक के बाद एक कई सारी परेशानियों का सलमान खान ने सामना किया है। अब एक और नया नाम काला हिरण केस से जुड़ गया है। वो नाम है देवेंद्र गुड़िया का, जो बिश्नोई समाज के अध्यक्ष हैं। इन्होंने भाईजान को बिश्नोई समाज से माफी मांगने की सलाह दी है। गौरतलब है कि बिश्नोई समाज के 29 नियम होते हैं, उन्हीं में से एक नियम है क्षमा दय हृदय। इस नियम के तहत अगर आरोपी अपनी गलती मानता है और खुद सामने आकर क्षमा मांगता है तो वो एक सभा का आयोजन होता है जिसमें बड़े बड़े साधु महंत नेतागण बिश्नोई समाज के प्रमुख पंच और यूथ शामिल होते हैं। वो मांगी गई माफी पर विचार करते हैं और उसे माफ भी कर देते हैं। ऐसे में बुढ़िया का सीधा कहना है कि अगर सलमान खान खुद मंदिर आकर माफी मांगेंगे तो बिश्नोई समाज उन्हें उनकी गलती के लिए माफ कर सकता है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए इन खबर को फॉलो कर लें।